अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊंगी जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में बना सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्विक एंड ईजी चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन, ये बोनलेस चिकन है, और हाफ कप दही, 1/4 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली थी, बाकी थोड़ा सा लहसुन और अदरक, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स जाएंगे हमारे पास 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून फूड कलर जाएगा हमारे पास। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें डाल देंगे दही, दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, ऑयल, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, फूड कलर, इसी तरह जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे, हम ये सब डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट अब हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और मैं इसको डायरेक्ट ही फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। मैं मैरिनेट रखती नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये क्विक एंड ईजी इसीलिए है कि ये डायरेक्ट ही फ़ौरन मिक्स होके फ़ौरन हम चूल्हे पे रख देते हैं पकने के लिए। मैं अब इसको डाल रही हूँ फ्राइंग पैन में, और मीडियम टू स्लो हीट पे मैं इसको कुक करूँगी। तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी विनीगर, आप चाहें तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनीगर से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से कुक होगा और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाला है। अब मैं ढक दूँगी, और एक तरफ मैंने कोयला गरम होने के लिए रख दिया है। ये 10 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी, उसके लिए मैंने कोयला गरम कर दिया था। दरमियान में हम रखेंगे एल्युमिनियम फॉइल। फ्लेम हम चूल्हे का ऑफ कर देंगे और इस तरह हम स्टीम दे देंगे कोयले। कोयले का धुआं हमने दे दिया था और मैंने एल्युमिनियम फॉइल निकाल लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन टिक्का मसाला हमारा 10 मिनट में रेडी हो गया है, और हम इसको अनियन से और लेमन स्लाइसेस से गार्निश कर देंगे। ज़बरदस्त चिकन टिक्का मसाला तैयार है, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।